नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। नसरुल्लागंज बुधनी विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहे 3 दिसंबर की सभा में कह गए थे कि सरकार के तीनों अध्यादेश किसानों के समर्थन में है, लेकिन आज उनकी विधानसभा में सभी किसान और उन आदेशों का विरोध कर रहे हैं। आज भारत बंद के समर्थन में व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। वहीं कांग्रेसियों ने भी भारत बंद को लेकर अलग ग्रुप बनाकर नगर में भ्रमण कर लोगों से भारत बंद के समर्थन देने की अपील की है। वहीं किसान नेताओं ने नगर में घूम घूम कर व्यापारियों से भारत बंद के समर्थन में अपील की है, जिसके तहत आज नसरुल्लागंज का 90% मार्केट बंद रहा। वहीं कुछ बीजेपी समर्थक चुटपुट लोगों ने अपनी प्रतिष्ठान ने खोल कर रखे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 90% लोग अगर किसानों के साथ हैं तो उनके लिए गंभीर विषय है। अगर उन्होंने किसानों की बात की है, उनको दबाने की कोशिश की है, तो अगले चुनाव में उनको इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुखिया केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने पहले भी जो किसानों को गेहूं पर बोनस दिया था वह बंद कर दिया है, भावांतर की राशि को बंद कर दिया गया है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि मुख्यमंत्री भले ही 3 अध्यादेश को सही बताते हों, परंतु आज भी उन अध्यादेशों के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में किसान रोड पर आकर विरोध कर रहे हैं। अगर इन अध्यादेशों को वापस नहीं लिया गया तो किसानों की यह चेतावनी है कि भोपाल एक बड़ा आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। वहीं क्षेत्र के कई किसान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों के समर्थन के लिए कई दल नसरुल्लागंज क्षेत्र से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं किसान नेता शंकर जाट ने जिन व्यापारियों ने भारत बंद के समर्थन अपने प्रतिष्ठान बंद रखे उन्हें धन्यवाद दिया, और जो प्रतिष्ठान किसान के विरोध में खुल रहे उन्हें कहा कि आज हमको उनका असली चेहरा देख लिया है। यह किसान विरोधी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसानों की मांगे पूरी हों। वहीं किसान संगठन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम SDM दिनेश तोमर को 3 अध्यादेश वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा। मटर का हो, सेम का हो, गेहूं का हो, चावल का हो, मक्के का हो, सोयाबीन का हो, चाहे जितना हमने देखा है कि नगर नसरुल्लागंज के 90% लोगों ने दुकानें बंद रखी हैं। कुछ एक परसेंट लोगों ने किसान के समर्थन में दुकान नहीं बंद रखी है, तो हम उनको भी हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना असली चेहरा दिखाने का काम किया है, इससे किसानों की आंख खुल गई है। पर 90% लोगों ने मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में दुकानें बंद रखकर किसान का समर्थन किया है, इसलिए हम उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और जो सरकार ये कहती है कि ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों का है, आज मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की क्षेत्र में बंद का आह्वान किया और 90% लोगों व्यापारियों ने दुकान बंद रखी है। मैं पूरे देश को बता देता हूँ कि किसान पूरे देश का आंदोलन है, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश ये राजनीतिक पार्टियां ना करें। अभी तो ये मैदान में कूद रही है, इसके लिए आप करें। नहीं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम शुद्ध किसान है। उन्होंने समर्थन किया है, वो अपना प्रदर्शन करें। देश में लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, हम किसी को रोक नहीं सकते। हम स्वयं शुद्ध किसान है और किसानों की लड़ाई हम लड़ते हैं। हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई झंडा या कोई बैनर किसी पार्टी का नहीं है। देखिए, मोदी सरकार ने जो किसान विरोधी अध्यादेश लेके आए हैं वो पूरी तरीके से भारत के पूंजीपतियों और अडानी और अंबानियों के लिए बनाया गया है। इसमें MSP खत्म हो रही है, मंडियां सारी खत्म हो रही है। जब मंडियां खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगा, तो किसानों के साथ व्यापक पैमाने पर लूट होगी। बहुत सारी विसंगतियां और बहुत सारा किसान विरोधी अध्यादेश में ये कानून में विसंगतियां हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी किसानों के साथ इस अध्यादेश में जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और संपूर्ण मध्य भारत के प्रदेशों से किसान आज इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और हम सब पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के साथी पदाधिकारी इस अध्यादेश का विरोध करते हैं और आज हम शहर बंद कराने की ओर किसानों के हित में करा रहे हैं। जय जवान, जय किसान। खबर समय जगत के लिए नसरुल्लागंज से हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.